दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 अभी अभी चांद पर लैंड हुआ है और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस लैंडिंग से एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इस लैंडिंग को अभी 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं और इसरो ने अपना एक नया मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। ये मिशन इसरो के वैज्ञानिकों ने सूरज पर रिसर्च करने के लिए लॉन्च किया है। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो सूरज पर रिसर्च के लिए भेजा गया है। लेकिन ये आदित्य L1 सूरज की सतह पर नहीं उतर सकता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज में बहुत ज्यादा आग और गर्मी है, जिसकी वजह से उसकी सतह पर उतरना नामुमकिन है। जिस तरह चांद पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग करी थी, वैसे आदित्य L1 नहीं करेगा। ये आदित्य L1 सूरज पर दूर से ही रिसर्च करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट की दूरी धरती से ज्यादा करीब होगी और ये सूरज से ज्यादा दूर रहेगा। ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही रहकर वहां से रिसर्च करना स्टार्ट करेगा। ये इस दूरी पर जाकर लैग्रांज पॉइंट L1 के हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। लैग्रांज पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है जिस जगह 2 सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल पॉइंट बैलेंस होता है। अगर हम सूरज और पृथ्वी को देखेंगे तो इनके बीच 5 लैग्रांज पॉइंट बनते हैं। इस लैग्रांज पॉइंट की हेल्प से हमारा स्पेसक्राफ्ट सूरज और पृथ्वी के बीच में स्टेबल रहेगा और ये धरती के साथ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। इस पॉइंट की वजह से हमारे स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल भी काफी कम खर्च होगा। हमारे स्पेसक्राफ्ट को इस पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने का समय लगेगा और उसके बाद ये वहां रुककर 5 सालों तक सूरज पर रिसर्च करेगा। अब हम जानेंगे कि आदित्य L1 मिशन सूरज के ऊपर क्या रिसर्च करने के लिए भेजा गया है। हमारे सोलर सिस्टम में जो सन मौजूद है उसका डायामीटर हमारी पृथ्वी के डायामीटर से 109 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका वजन भी धरती के वजन से 3,33,000 गुना ज्यादा है। सूरज अपने साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि अपने अंदर 13 लाख धरती को फिट कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी धरती के अंदर कई लेयर्स हैं, जो सबसे भीतरी लेयर है उसे कोर कहा जाता है और धरती की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे सूरज के अंदर भी लेयर्स पाई जाती हैं। सूरज की भी सबसे भीतरी लेयर को कोर कहा जाता है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फिक्शन की रिएक्शंस होती हैं, जिसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस को एनर्जी में चेंज किया जाता है। इसी एनर्जी की मदद से प्रकाश पैदा होता है और गर्मी भी जनरेट होती है जो कि हमारी धरती तक आती है। अब बात करें कोर के टेम्परेचर की, तो इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। अब बात करेंगे इसके बाहर वाली परत की। इसके बाहर वाली परत को रेडिएटिव जोन के नाम से जाना जाता है। 70% सन का रेडियस इसी रेडिएटिव जोन से बनता है और इस रेडिएटिव जोन के ऊपर जो परत होती है उसे कॉन्वेक्टिव जोन के नाम से जाना जाता है और बचा हुआ 30% रेडियस सन का इस लेयर से बनता है। इस लेयर को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां पर एनर्जी ट्रांसफर कन्वेक्शन के द्वारा होती है। इसके ऊपर जो सन की सरफेस होती है उसे फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो वैसे सन की कोई सरफेस है ही नहीं, क्योंकि सन के ऊपर कोई सतह नहीं है, वहां सिर्फ गैसेस और प्लाज्मा ही अवेलेबल है। सन की कोई ऐसी सतह नहीं होती जैसी हमारी धरती की है। इसे हम सूरज के वातावरण की निचली परत भी कहते हैं। इस जगह पर तापमान काफी कम हो जाता है। यहाँ का टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। इसके ऊपर एक और लेयर मौजूद होती है जिसे क्रोमोस्फीयर की लेयर कहा जाता है। इस लेयर पर टेम्परेचर कई हद तक बढ़ जाता है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा 6,000 से 20,000 के बीच में रहता है। इसके ऊपर भी सन की एक थिन लेयर पाई जाती है। इसको ट्रांसिशन लेयर के नाम से जाना जाता है। इसके बाहर सन की सबसे बाहरी परत होती है जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। इस लेयर में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। यहाँ का टेम्परेचर 1,00,000 से 3,00,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सन का कोर इतना ज्यादा गर्म है और इसके बीच की लेयर का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है और फिर इसकी सबसे बाहरी लेयर कोरोना का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है। इस बारे में तो आज तक हमारी साइंस को भी नहीं पता चल पाया है और हमारा आदित्य L1 मिशन इसी उम्मीद के साथ भेजा जा रहा है कि वो सूरज के इस राज से पर्दा उठाएगा। आज तक किसी को इसके बारे में ठीक से जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट ने इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी हैं।
लेकिन कोई भी इस बात पर श्योर नहीं है कि ऐसा होने का सही कारण क्या है। हमारा आदित्य L1 मिशन यही है कि वो सन के ऊपर की तीनों लेयर्स के ऊपर रिसर्च करे। अब सोचने की बात यह है कि आदित्य L1 इतने दूर से सूरज के ऊपर रिसर्च कैसे करेगा। ये जानने से पहले हम सूरज के बारे में थोड़ा और जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज से हमें लाइट और एनर्जी दोनों मिलती है। इसके अलावा भी सूरज से हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलती है। इस निकलने वाली रेडिएशन में विजिबल लाइट्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, इन सभी में बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं जो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी पर मौजूद एटमॉस्फेयर हमें इससे प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा सन से सोलर विंड भी बाहर निकलती है। इस विंड को देखा जाए तो ये एक फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का। सन से निकलने वाली ये सोलर विंड जब धरती में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट करती है तो हमें नॉर्थर्न लाइट्स दिखाई देती हैं। ये बहुत खूबसूरत सी रोशनी होती है जो हमें आसमान में दिखाई देती है। ज्यादातर ये स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड में देखी जाती है। इसके अलावा सूरज से निकलने वाली चीजों में कोरोनल मास इंजेक्शन भी शामिल है जिन्हें सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा बस्ट माना गया है। इसके अलावा सूरज से कभी कभी सोलर फ्लेयर्स भी निकलते हुए देखने को मिलते हैं जिनकी लाइट और एनर्जी की बहुत तेज चमक होती है। इन्हीं सब चीजों के ऊपर रिसर्च करने के लिए हमारे आदित्य L1 के ऊपर 7 पेलोड लगाए गए हैं, जिसमें पहला है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। इसका काम कोरोना लेयर के ऊपर रिसर्च करने का है। दूसरे नंबर पर है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजेस लेने का काम करेगा। तीसरे नंबर पर आता है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और चौथे नंबर पर है हाई एनर्जी एल्बम ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों सूरज से निकलने वाली एक्सरेज के ऊपर स्टडी करने का काम करेंगे। पांचवें नंबर पर है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। छठे नंबर पर है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करने का काम करेंगे। और सातवें नंबर पर है मैग्नेटोमीटर MAG जो मैग्नेटिक फील्ड को नापने का काम करेगा। ये सभी पेलोड आदित्य L1 में इसलिए फिट किए गए हैं ताकि इनके जरिए सूरज के बारे में हमें पूरी जानकारी हासिल हो सके और सूरज से जो हानिकारक किरणें निकलती हैं उनके बारे में स्टडी करना पृथ्वी पर रहकर नामुमकिन है, क्योंकि ये हानिकारक रेज हमारी पृथ्वी तक हमारे एटमॉस्फेयर के कारण नहीं आती हैं। ये चीज पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी स्टडी हम यहां रहकर नहीं कर सकते हैं। इनकी स्टडी करने के लिए हमें पृथ्वी से बाहर ही जाना होगा। अब देखना यह है कि हमारा आदित्य L1 मिशन अपने मकसद में कितना कामयाब होता है। हम आशा करते हैं कि यह आदित्य L1 मिशन इसरो की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।